हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत हिल स्टेशन के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा वहां पर कैसे जा सकते हैं, वहां पर क्या क्या एक्टिविटी होता है, अगल बगल में और क्या देखने को चीज़ है। तो बने रहिए इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पटनी टॉप की, जो जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ये वैली लवर्स लोगों के लिए ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो आइए आप जानते हैं पटनी टॉप पहुँचने के लिए बेहतर और कौन कौन से माध्यम हैं, पटनी टॉप में कौन कौन से अच्छे होटल हैं और पटनी टॉप के सराउंड में क्या क्या और चीज़ देखने को है और पटनी टॉप में क्या क्या एडवेंचर स्पोर्ट्स होता है। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ का इंफॉर्मेशन दूंगा। तो बात करते हैं सबसे पहले एयर की। पटनी टॉप के जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है जम्मू। जम्मू से आप पटनी टॉप बाय रोड जा सकते हैं। जम्मू से पटनी टॉप का डिस्टेंस लगभग 115 किलोमीटर है। जम्मू एयरपोर्ट से आप पटनी टॉप बाय रोड यदि आप जाते हैं तो 3,500 से 4,000 रुपया टैक्सी लेगा। वहीं अगर बात करें ट्रेन की, पटनी टॉप की सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है उधमपुर। उधमपुर रेलवे स्टेशन से पटनी टॉप की डिस्टेंस लगभग 46 किलोमीटर है। बस और टैक्सी दोनों से आप उधमपुर रेलवे स्टेशन से पटनी टॉप जा सकते हो। उधमपुर रेलवे स्टेशन से पटनी टॉप प्राइवेट टैक्सी का किराया लगभग 2,000 से 2,500 रुपया है और बस का किराया लगभग 100 से 150 रुपया है। दोस्तों, कटरा से पटनी टॉप की डिस्टेंस लगभग 85 किलोमीटर है। जो लोग माता वैष्णो देवी दर्शन करने आते हैं वो एक बार पटनी टॉप घूमने जरूर जाते हैं, वहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए। दोस्तों, आप कटरा से पटनी टॉप जाने के लिए प्राइवेट टैक्सी का पैकेज ले सकते हैं। इसका रेंट 4,500 से 5,500 रुपया लगभग है। इसमें आप पटनी टॉप जाके एक दिन वहाँ रह के एक पटनी टॉप एक्सप्लोर करके नेक्स्ट डे कटरा आ सकते हैं। इसमें खाली टैक्सी से आने जाने का किराया मैंने बताया, होटल का खर्चा, होटल में रहने और खाने का खर्चा वो अलग से है। वैसे बात करें बाय रोड पटनी टॉप पहुंचने के लिए, तो दिल्ली से पटनी टॉप का बाय रोड डिस्टेंस लगभग 655 किलोमीटर है, जो आप एक दिन में कवर कर सकते हैं। वैसे यदि आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो बाय रोड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बाय रोड आप प्रकृति का लुत्फ लेते हुए पटनी टॉप पहुँच सकते हैं। अब बात करते हैं पटनी टॉप में रहने की जगह। मैं स्क्रीन में कुछ लिंक दे रहा हूँ जहाँ पर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का होटल भी अवेलेबल है, जो बहुत ही खूबसूरत जगह पर उपलब्ध है। आप इस होटल के वेबसाइट में जाके या फोन करके होटल का पर डे रेंट आप पता कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम टू टाइम वेरी करता है। पटनी टॉप में गवर्नमेंट के कुछ खूबसूरत बंगलो भी है, सुपर डीलक्स बंगलो भी है, जिसका बुकिंग आप ऑनलाइन ही करा सकते हो, जो बहुत ही खूबसूरत जगह पर है। दोस्तों, आप बात करते हैं पटनी टॉप और इसके आसपास की जगह पर जहां आप घूम सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पटनी टॉप की, जो बहुत ही खूबसूरत जगह है। देवदार के घने पेड़ और इसके घुमावदार रास्ते जो किसी भी आदमी को मन मोहित कर लेता है। अब बात करते हैं पटनी टॉप में एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में। पटनी टॉप में आप स्कीइंग कर सकते हैं। इसमें पर डे 750 से लेके 1,000 रुपया तक लेता है। यहाँ पर जो स्किनिंग जिसका आता भी नहीं है उसको भी यहाँ पर ट्रेन किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं पैराग्लाइडिंग की। पटनी टॉप में आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं, जिसका चार्जेस होता है 2,500 से 4,500 रुपया पर पर्सन होता है। पटनी टॉप से 2 किलोमीटर दूर देवरिया बोल के एक जगह है जहाँ से पैराग्लाइडिंग स्टार्ट होता है। पटनी टॉप में आप ट्रैकिंग और हॉर्स राइडिंग का भी आनंद ले सकते हैं। अब बात करते हैं पटनी टॉप से लगभग 8 किलोमीटर दूर नाथा टॉप। नाथा टॉप एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां पर आप बर्फ की भरपूर आनंद ले सकते हैं। यहां से आप हिमालय की कई चोटियों को भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं पटनी टॉप के बेहद ही खूबसूरत जगह माधव टॉप। माधव टॉप पटनी टॉप से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आप बर्फ की खूबसूरत पहाड़ियों को देख सकते हैं और यहाँ पर बर्फ की चोटी भी देख सकते हैं। यहाँ पर स्नोफॉल का भी आप आनंद ले सकते हैं। अब बात करते हैं पटनी टॉप की बेहद ही पुराने मंदिर नाग मंदिर के बारे में। ये लगभग 600 साल पुराना मंदिर है, जो घने पाइन ट्री के जंगल के बीच है और इसका चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों, इसके बाद आप कूद पार्क
भी जा सकते हैं, जो खूबसूरत फूलों के लिए मशहूर है। कूद आने वाले हर किसी के लिए ये एक पसंदीदा पिकनिक स्पॉट है। इस क्षेत्र के मुख्य आकर्षण में से एक है पतीसा। ये एक ऐसी मिठाई है जिसके लिए ये स्थान जाना जाता है। ये उधमपुर श्रीनगर राजमार्ग पर जम्मू से पटनीटॉप के रास्ते में आता है। इसके अलावा आप पटनीटॉप मार्केट में शॉपिंग भी कर सकते हो। अब बात करते हैं पटनीटॉप आने का बेस्ट टाइम। वैसे तो आप साल में किसी भी टाइम आ सकते हो पटनीटॉप। यहाँ का वेदर बहुत ही प्लेजेंट रहता है। यदि आप स्नोफॉल का आनंद लेना चाहते हो तो बेस्ट टाइम है दिसंबर से जनवरी या फरवरी तक, तब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल होता है। इस टाइम यहाँ पर ज्यादा पर्यटक आते हैं स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग और स्नोफॉल देखने के लिए। तो दोस्तों, ये था पटनीटॉप के बारे में पूरी जानकारी। यदि आपको पटनीटॉप ट्रिप के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू।